करनाल के लोकसभा के कार्यकर्ता है, उनका जोश जो उत्साह आज देखने को मिल रहा है। ये करनाल की लोकसभा थी, पहले दो नंबर पे देश में आई थी, विधानसभा की सीट बड़े मैंडेट के साथ जीत करके यहाँ पर 11 करोड़ आज प्रदेश की जनता ने ये तय कर दिया है। जो जोश जो उत्साह देखने को मिल रहा है, आज 11 कमल के फूल खिलेंगे। एक बैंड वाली गाड़ी भी आगे, मीडिया की गाड़ी आगे, हमारे कार्यकर्ता जनता को बढ़ी चाहिए, उन्हें कार्य के लिए आगे करो। तीसरी बात, जोगी जी भी आ रहे हैं, जोगी जी आ रहे हैं क्या? मीडिया गाड़ी आगे करो, हमारे केंद्रीय नेता आएंगे, जरूर करके फोटो ले लेते हैं अपने आप ही। अरे अपनी पीटीआई आईडी पीछे कर भाई। मित्रों, जैसा आप हमको आज हमको पता है कि नामांकन का ये आखिरी दिन 6 तारीख, और हरियाणा के हमारे आज सभी नामांकन पूर्ण हुए हैं। 8 पहले हो गए थे, 3 नामांकन आज हुए हैं, 1 फरीदाबाद में हुआ है, 2 यहाँ करनाल में लोकसभा और करनाल विधानसभा, ऐसे दोनों नामांकन आज यहाँ किए हैं। आज जनता में भरपूर उत्साह आप सब लोगों ने देखा है, इस प्रकार का उत्साह हरेक नामांकन में देखा गया है। अरे पीटीआई, जनता के उत्साह को देख करके मैं दावे से कह सकता हूँ कि हरियाणा यार क्या है, कमाल होगी तुम्हारी। बिल्कुल, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 की 11 सीटें एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, और 4 जून को 11 करोड़ के फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल सकते हैं। कांग्रेस कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं हम जीतेंगे, क्या रहेगा माहौल? जनता बताएगी ना, कांग्रेस बताए ना, हम बताए ना, आप बताएं, अगर विश्वास तो हमको जनता पर करना पड़ेगा।